गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवराव चेना फ्लाइट। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। और आज सुबह से क्या रात से दबादब बारिश हो रही है, दबादब। आपको आप दिखाऊं तो अब ऐसे में आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ बारिश कितनी तेजी से हो रही है। अरे इतनी अंधेरे में देखिए, रात भर से बारिश हो रही है, रात भर से। और ये अगले 3 दिन तक कंटिन्यू बारिश है, ऑरेंज अलर्ट भी बोला गया है। खैर पेड़ पौधों के लिए भी सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अति किसी चीज़ की भी अति जो होती है ना, वो ठीक नहीं होती है। तो एक बैलेंस वे में सारी चीज़ें हों तो बेटर है, लेकिन किसी चीज़ का एक्सेस होना लाइफ में वो भी ठीक नहीं है। ये देखो नाराज आदमी है, नाराज आदमी रैम्बो रैम्बो आजकल बड़ी जल्दी नाराज होता है भाई। गाइस निकलते हैं ऑफिस के लिए, बारिश हो रही है जवाब के टन टन। कैमरा सही से दिख नहीं रहा था, चलो कैमरा साफ कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स निकलते हैं ऑफिस के लिए, देखते हैं रास्ता वास्ता ब्लॉक ना हो, क्योंकि बारिश जो है कंटिन्यूसली हो रही है और दिन भर ही रहने वाली है, रात भी रहने वाली है। लेट्स सी। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू शिवरावत इवनिंग फेस ऑफ चेन लाइफ। क्या बोल रहा हूँ, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू शिवरावत चेन ऑफ लाइफ इवनिंग फेस। 3.25 घंटे लग गए पहुंचने में, क्योंकि आज मुंबई में हो रही है लगातार बारिश, कल रात से हो रही है और 70 mm की बारिश हो रही है। पूरी बारिश चल रही, ट्रैफिक ऐसा लगा एक जगह में तो ऐसे फंस गए कि पेड़ गिरा हुआ और लंबा जाम, मतलब 2.5 घंटा लगा 5 किलोमीटर के स्ट्रेच को कंप्लीट करने के लिए। और दूसरी साइड से जो एक ट्रैफिक है वो तो बहुत आगे तक जाम लग गया, मैंने वीडियो तो नहीं बनाया उसका, लेकिन बहुत आगे तक जाम लग गया। कितने लोग अभी कितने बजे तक पहुँचेंगे ये भी आइडिया नहीं है, और कल क्या हाल होने वाला वो भी पता नहीं। तो टीना ने बनाई है कोई स्पेशल डिश, और मेरे को कह रही कि गेस करो, खीर जैसी तो कुछ लग रही है, काजू भी डला है इसमें, कलर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है तो कुछ मीठा रही ना, लेकिन है क्या ये, टेस्ट करके बताना है क्या है। वीर कटोरी ला, टेस्ट ऐसे थोड़ी टेस्ट करूँगा, कटोरी तो अच्छा तो मैं ले लेता हूँ, कटोरी ले लेते हैं, ये वाली कटोरी, ये वाली ले लूँ क्या, चलो। और उससे पहले मैं टेस्ट करूं यहाँ पे, ये क्या बनाया टिनी, राजमा चने बनाए, चलो ये तो चने बनाए हैं, चना पूरी बनाऊंगी इसके साथ अभी, वाह हो गया इसका मतलब कुछ तो तुमने मिठाई बनाया है। हाँ, मीठा है लेकिन डिश का नाम मुझे पता नहीं है, मैं एक बार टेस्ट करके बताता हूँ। टीना भी कुछ कुछ सरप्राइज देती रहती है। ये ब्राउन कलर का बनाया है, 2 चम्मच लेके देखते पहले है क्या चीज। अच्छी हो रही है कि नहीं, चॉकलेट का स्वाद आ रहा है, स्वाद आ रहा है लेकिन लेकिन अच्छी लग रही है। आई मीन भाई मीठे के नाम पे तो मेरे को सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा बिटर डार्क चॉकलेट ज्यादा। कॉफी का बनाया था कुछ, क्या है ये, है कैरमलाइज खीर, शुगर को मैंने मेल्ट किया, मेल्ट की गरम मतलब ऐसे डिसॉल्व डिसॉल्व वीर को नहीं आए पसंद, इसको तो आनी चाहिए पसंद, कैरमलाइज खीर। अभी इसमें क्या क्या तूने डाला है ये बता दे। कुछ नहीं डाला, एक तो ये तो मेरे को चावल लग रहे हैं, चावल तो हाँ, उसके साथ साथ तूने कुछ काजू डाला है, बट इसका कलर ऐसा क्यों हो गया है? चाशनी नहीं बनाते हैं? हाँ। चाशनी में पानी डालते हैं, चीनी में हाँ। इसमें पानी नहीं डाला है। तो रेसिपी क्या है इसकी, रेसिपी क्या है? अभी अच्छी लगे तो सही है, नहीं तो मेरी बेकार ना जाएगी। आदि भाई को पसंद आनी चाहिए, बट बीट को तो नहीं, मैं तो खा ही लूंगा, मेरे को तो अच्छी लग रही है, मीठा मेरे को तो कुछ भी मिल जाए। यहाँ पे अच्छा ये तो कपूर हम जलाएंगे इसके लिए,
ए रैम्बो, रैम्बो को एकदम ठंड लग रही है, एकदम मस्त बैठ रखा है। हाँ हाँ, हाथ क्यों उठा रहा है हेलो करने के लिए? सर इसको लगा देते हैं तो मक्खी वगैरह सब भाग जाती है, खुशबू मस्त आती है। वीर को पसंद आती है खुशबू? हाँ, ये देखो बेचारा मुंह करके कैसे। चलिए पूरी भी बनने को तैयार, और इसमें भी टीना ने अजवाइन डाली लग रहा है। हाँ नहीं चलाती तो। अरे आज क्या मूड गया तेरे को ये पूरी आलू सब बनाने का? हाँ वैसे मैं पकोड़े सोच रहा था, बरसात में तो पकोड़े अच्छे खाए जाते हैं। हैं मतलब कहते हैं ना, इसको कहते हैं मन करे किसी चीज़ का खाने का और घर में मिल जाए तो मस्त। तो पूरी गड़बड़ हो गई तेरी, पहली पूरी गड़बड़। ऐसे लग रही जैसे कचौड़ी टाइप की नहीं बनती है आप, वो क्या बोलते हैं मठरी, मठरी जैसे। ये देखिए ऐसे फूलती है पूरी, पर ज़्यादा नहीं फूल रही मैडम। चलो जब तक टीना बनाती हम थोड़ा सा एक दो यूट्यूबर्स की वीडियो देखता हूँ मैं, वो देख लेते हैं। और यहाँ हो रहा है भाई भाई का प्यार एकदम मस्त तरीके से। ओके फ्रेंड्स, बारिश तो लगातार हो रही है और आज ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, और कल भी बारिश होने वाली, परसों भी बारिश होने वाली। कल क्या जाम रहता है नहीं रहता, क्योंकि अभी ऑफिस जाने के टाइम पर बहुत लंबा चौड़ा जाम दिखा रहा था। देखते हैं क्या रहता है। फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं। और एक और चीज़, आजकल व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो व्यूज़ इसलिए मेरे भी कम आ रहे हैं, बाकी अभी यूट्यूबर्स के भी कम ही आ रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन व्यूज़ कम है अभी। तो फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं यहीं खत्म। बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चैन ऑफ लाइफ के साथ।